ईमान, जी फैसल, अहमद तुम्हें अब भी फोन कर रहा करता है, इसीलिए तो अपना फोन ऑफ रखती हूँ। फोन ही नहीं बल्कि मेरा पीछा भी करता है, रास्ते में रुककर कहीं भी। नानियाल भाई को बताया था मैंने। तुम्हें घर से तो निकलवा दिया, क्या बर्बाद करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है तुम्हें? बदला ले रहा है मुझसे, मुझे हरास करके जहनी अजियत दे रहा है। बदला तो तुम हमसे ले रही हो, पहले मेरी बहन का घर बर्बाद किया और फिर मेरी दुश्मन हो गई। अरे थोड़ा तो ख्याल करो कि सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल किया है और तुम ही ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। नहीं भाभी, मैंने मैं अब जानती हूँ तुम यही चाहती हो ना कि फैसल मुझे छोड़ दे। नहीं भाभी, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा। फैसल भाई, समय क्यों बात का पतंगड़ बना रही हूँ यार? बात का पतंगड़ बन गया है और ये बात तय हो चुकी है, या तो ये यहां रहेगी या मैं, क्योंकि मैं चोर बनकर इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन ज्यादा अहम है ना, तो ठीक है ये यहां रहे, मैं ही चली जाती। नहीं समिया भाभी, आप मेरी वजह से अपना घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाए, प्लीज। वाह, पहले भाई को भड़काती हो और फिर मुझे कहती हो मत जाए। एक मिनट नहीं रुकूंगी इस छत के नीचे। समझा, तुम तो समझदार, मैं और ईमान खामखा तुम पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाएंगे यार? जो भी है, पैसे तो चोरी हुए हैं ना, आखिर गए कहां? चूल्हे में गए तुम्हारे पैसे। एक बात तो तय हो गई है, इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। और वैसे भी फैसल, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम ईमान और दानियाल से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। समया, मैं अभी ईमान को कहीं नहीं भेज रहा, दानियाल को तो आने। हरगिज नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारे खानदान को और अब नौबत यहां तक आ गई है कि मुझ पे ही चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। तुम इसे निकाल सकते हो, नहीं तो मैं ही चली जाती हूं। समिया भाभी, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं जा रही हूं। ईमान, फैसल भाई, परेशान नहीं हो, मैं कुछ मैनेज कर लूंगी, आप बिल्कुल परेशान हो। कैसे मैनेज कर लूंगी तुम? जब कह रही है मैनेज कर लेगी तो कोई इंतजाम होगा ना उसका, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? लेकिन समिया, जाओ बीबी, अपना सामान पैक करो और निकलो यहां से। ना बीबी की फिक्र ना औलाद का ख्याल, जब देखो ईमान ईमान ईमान, कान पक गए मेरे। मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।